इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है रियाज एप्लीकेशन ने। रियाज एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप घर बैठे संगीत सीख सकते हो, गायकी सीख सकते हो और इसमें आप कई सारे अलंकार राग गाने तैयार कर सकते हो। इनमें जो टीचर्स हैं उनकी मदद से आपको सिंपली पीछे पीछे गाना रहता है और एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इसमें जिससे आप आसानी से समझ सके। नीचे आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप इस एप्लीकेशन में प्रीमियम इसका परचेस करो तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा अगर आप रियाज KA10 कूपन कोड यूज करें तो। लिंक और कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार रियाज एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखें। धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब के सब? तो आज का वीडियो में आपका स्वागत है, खूब खूब प्यार भरा स्वागत आपका फूलों के द्वारा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक प्यारा सा सॉन्ग, आंख है भरी भरी, तो कुमार सानू जी का सुपर हिट ओल्ड हिट सॉन्ग, जिसको हम स्टार्टिंग में जो म्यूजिक है उस म्यूजिक पार्ट से लेकर इसके मुखड़े अंतर पूरा गाने को हम सीखेंगे परफेक्ट तरीके से, कि आप किस तरीके से इसको अपने कीबोर्ड, अपने पियानो, अपने हारमोनियम और अपने मोबाइल पियानो के ऊपर आसानी से बजा सकते हो। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप आसानी से इस वीडियो के थ्रू इस गाने को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है, बजा पाएंगे आसानी से। शुरुआत करते हैं बिना किसी समय गवाए। सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग की ट्यून है उसको मैं लाइन बाय लाइन आपको प्ले करके बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको अपने तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ सके जो बंदे एकदम बिगिनर हैं या फिर अभी कीबोर्ड सीखने ही लगे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग की ट्यून है वो किस तरह, ठीक है, एक तो ये ट्यून, इसके बाद में दूसरी ट्यून है जो वो स्ट्रिंग में प्ले होती है किस तरह, ठीक है, इसके बाद में वापस जो हमारी जो सबसे पहली वाली ट्यून थी वो फिर से, ठीक है, तो इसमें आप जैसे देखो ध्यान दीजिए तो मेन दो ही ट्यून है, एक तो क्लियर और एक दूसरी अगली स्ट्रिंग वाली, तो दोनों को पहले सीखते हैं, परफेक्ट करते हैं और फिर बढ़ते हैं हम गाने की तरफ। तो अगर आप पहली धुन में ध्यान दें तो काफी ऊपर नीचे, लेकिन हम अलग अलग पार्ट करके समझेंगे जिससे आप आसानी से समझ सके। तो अलग अलग इसमें हम भाग कर देंगे, जिसमें पहला भाग किस तरह, इसमें 1 2 3 4 5 6 छह की छह ब्लैक कीज का इसमें यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो किस तरह, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अलग अलग भाग करेंगे, पहला भाग, पहले धीरे धीरे सीखो, फिर उसको और स्पीड में करो, फिर और धीरे धीरे ओरिजिनल टाइमिंग के साथ प्ले करो, क्लियर। इसके बाद में दूसरा पार्ट किस तरह, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी इन छह सुरों का यूज अलग अलग भाग करेंगे, जिसमें पहला भाग, ठीक है, वापस फिर सेम वही पहले वाला पैटर्न, ठीक है। तो होप आपने जो इसका स्टार्टिंग का म्यूजिक को सीख लिया होगा, फिर भी कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से पॉज करके रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद में जो सेकंड ट्यून है स्ट्रिंग के ऊपर वो किस तरह, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो अलग अलग भाग करेंगे, जिसमें पहला भाग सीधा यहां से यहां पे, ठीक है, क्लियर। ओरिजिनल सॉन्ग के स्केल के ऊपर मैं प्ले कर रहा हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ओरिजिनल सॉन्ग लिंक करके, तो आप ओरिजिनल गाने को सुनिए अपने किसी डिवाइस में, अपने फोन में, अपने स्पीकर में, साइड में, इसको ओरिजिनल गाने को बजाए, साथ साथ उसके प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप जल्दी सीख सके और आपको सही टाइमिंग का पता चल सके कि भाई किस सुर के ऊपर कितनी देर हमें रुकना है, ठीक है। फिर अगला पार्ट, किस तरह, वन टू थ्री
फिर इसके बाद में वापस सेम हमारी पहले वाली ट्यून, काफ़ी प्यारी मेलोडी है इसलिए आप इसको पक्का सीखिएगा। तो इस तरीके से जो इसका जो स्टार्टिंग का म्यूजिक पार्ट है वो समाप्त होता है, और आशा करता हूँ आपने यहाँ तक पूरा सीख लिया होगा। और फिर भी अगर कुछ भूल चुके हो तो माफ़ कीजिएगा, या फिर अगर आप ओरिजिनल गाने को साथ साथ में सुनिए साथ साथ में बजाइए, आप आसानी से इसको सीख पाएंगे और बजा पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे प्यारे से गाने की तरफ। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो, ठीक है, किस तरह अगर आप एक चीज़ ध्यान दे दो, सभी के सभी ब्लैक कीज का इसके ऊपर यूज़ हुआ है, और काफ़ी ही आसान तरीके से गाने की जो मूवमेंट है, जो गाने की स्टेप्स हैं, काफ़ी आसान है, इसलिए आप सही टाइमिंग से अगर बजाएं तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, और काफ़ी ही एक आपके जो सॉन्ग के कलेक्शन में काफ़ी प्यारा गाना है ऐड होने वाला है, ठीक है, अगर आप इसको पूरे को सीख जाएँ तो। तो इसमें देखो अगर आप ध्यान दे दो, सभी के सभी ब्लैक कीज हैं, अलग अलग भाग करेंगे जिसमें किस तरह, फिर आंख है भरी भरी, है भरी भरी और तुम, फिर एक फिलर, एक मतलब हल्की सी यहां पे ट्यून, और फिर इसके बाद में मुस्कुराने की बात करते हो, फिर मुस्कुराने की बात करती हो, फिर बात करती हो, इसके बाद में ट्यून 1 2 3 4 3 2 1 सेम रिपीट, इसके बाद में सेम वही आंख है भरी भरी वाला मुखड़ा पार्ट, सेम रिपीट, फिर क्लियर, काफ़ी प्यारी धुन है, और इसकी सेम चीज़ एक बार मेल वॉइस में रिपीट होगी, एक बार सेम चीज़ फीमेल वॉइस में रिपीट होगी, और इस तरीके से गाना आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक अपना क्लियर हो गया मुखड़ा पार्ट, इसको 3 से 4 बार रियाज कीजिए और परफेक्ट कीजिए, और सभी सभी ब्लैक कीज़ हैं इसलिए आपको और भी ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, और ब्लैक कीज़ हैं इसलिए आपको याद भी मतलब ये लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, और भी आप किसी भी स्केल से इसको प्ले कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल स्केल ये है एक वीडियो में, इसलिए आप इस स्केल में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप साथ साथ में हो जाए तो आप इसको सही से पकड़ सके, और अगर आपका एक स्केल हो गया तो फिर आप इसी सेम चीज़ को कहीं से भी बजा सकते हो, जैसे अभी मैं रेंडमली कहीं से भी ट्राई करूँ, एक बार मैंने बजाया यहाँ से, अब मैं और किसी भी सुर के ऊपर टैप करूं, जैसे यहां से, ठीक है, और कहीं से भी, कहीं से भी आप किसी भी गाने को बजा सकते हो जैसे मैंने आपको कहा। तो इस तरीके से आप पहले ओरिजिनल स्केल को ढूंढिए, फिर उसके ऊपर पूरे को प्रैक्टिस कीजिए, पूरे गाने को सीखिए, फिर और कहीं कहीं से ढूंढिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं इस गाने के अंतरे की तरफ, काफी प्यारा अंतरा, रिपीट, ये अंतरे का पार्ट है जो इतना ही खाली अलग है, उसके बाद में जख्म है हरा हरा, सेम जो मेलोडी रहेगी वो सेम आंख है भरी भरी वाली सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक दो सुर में थोड़ा बहुत होगा लेकिन उसी टाइप का 90 से 95% उसी प्रकार का सिमिलर है, लेकिन अलग क्या है, गाने के लिरिक्स के हिसाब से मेलोडी 2 से 3 बार प्ले होगी जिसको आप समझ सकते हो, अलग अलग भाग में देखें तो किस तरह, ठीक है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे हैं, ये लाइन, फिर कि मैं कुछ कर नहीं सकता, 1 2 3 4 चार ही सुर है, मैं कुछ कर नहीं सकता, 1 2 3 4 किस तरह, फिर यही सेम चीज रिपीट फीमेल वॉइस में, इसके बाद में
सेम इसी प्रकार की सिमिलर मेलोडी जो हमने आंखें भरी भरी में सीखी थी। इसके बाद में अगर आपको म्यूजिक प्ले करना है तो हमने जो स्टार्टिंग में एकदम म्यूजिक प्ले किया था वो आप कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका बीच का और भी एक्स्ट्रा म्यूजिक वो भी काफ़ी ही ज़्यादा आसान है, अगर मैं बताना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक ही वीडियो को रखते हैं। और उस म्यूजिक को भी आप इन्हीं सुरों के ऊपर ढूंढ सकते हो, खुद से अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आता है और आपको खुद को एक मोटिवेशन बढ़िया मिलता है कि भाई हाँ मैंने खुद से कोई गाना निकाला, ठीक है। इतना तो आपने देख देख के या कुछ समझ के कर लिया, अब आप खुद से इसको ट्राई करो जितना भी पूरा म्यूजिक पार्ट है, जितना भी पूरा म्यूजिक पार्ट है, और फिर बाद में पूरे को साथ साथ में बजाओ और एंजॉय करो। होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो देखा तो खूब खूब धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक समय दिया और आपने यहाँ तक इस गाने को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, तो आप आसानी से इसको सीख ही गए होंगे, ये मैं आपसे इच्छा रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे इस प्रकार के, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में और मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की एक और नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और अपना ध्यान रखें, गुड बाय।